पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। बुहाना क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों से स्थानीय लोगों व व्यापारियों में आक्रोश। 2 घंटे तक बाजार बंद रखकर जताया विरोध। बुहाना क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के विरोध में स्थानीय लोग व व्यापारियों में गुस्सा फूट पड़ा। 2 घंटे तक बाजार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों व दुकानदारों का कहना है कि बुहाना क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है, जिसको रोकने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। क्षेत्र में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, वसूली मांगी जा रही है, वसूली नहीं देने पर गुंडागर्दी की जाती है, दहशत फैलाने के लिए तोड़फोड़ की जाती है। इन्होंने बताया कि 15 जून की रात को भी एक मिष्ठान भंडार की दुकान पर और ऑयल फैक्ट्री में वसूली नहीं देने पर तोड़फोड़ की गई और पैसे लूट लिए गए। स्थानीय लोगों व दुकानदारों ने साफ कर दिया कि अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन खुद होगा। 15 तारीख को रात को 10 बजे बाजार में निकला जाए ना इनको। मालिक के प्रेम जी के हाथ पैर तोड़ दिए गए, गुंडागर्दी फैलाई गई। इसके लिए पूरे मार्केट को 2 घंटे के लिए बंद करके और इंचार्ज साहब को ज्ञापन दिया गया है SP साहब के नाम, और ये गुंडागर्दी खत्म करने के लिए इनको कहा कि सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए तो पूरा मार्केट दोबारा बंद होगा और इसके जिम्मेदार खुद ये प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे। गुंडागर्दी बुहाना बहुत ज़्यादा हो रही है, 3-4 घटना हो गई, कोई कार्रवाई नहीं करी गई है अब तक। है सब व्यापारी आ रहे हैं और आगे सूचना दी जाए थाने ने, भाई कोई भी यही घटना होगी तो तेज जिम्मेदार होगा। बुहाना व रोही भीर की फैक्ट्री में तोड़फोड़, मारपीट कर दहशत फैलाने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। बुहाना व रोही भीर की फैक्ट्री में तोड़फोड़ व मारपीट कर दहशत फैलाने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि परिवादी रमेश ने रिपोर्ट दी थी कि काले रंग की कैंपर गाड़ी में 5 से 6 लोग सवार होकर आए, उनके हाथों में डंडे थे, आते ही उनके ऊपर हमला कर दिया गया, ऑफिस के शीशे तोड़ दिए गए, उसके बाद गले में पैसे निकाल कर ले गए और 20 लाख रुपए की डिमांड और की गई। वहीं प्रेम सिंह जो कि बीकानेर मिष्ठान भंडार बुहाना चलाता है, उसके यहाँ भी तोड़फोड़ कर पैसे की डिमांड की गई। पुलिस ने मामले में टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की। CCTV फुटेज व शुरुआती जांच व पर्चा बयान के आधार पर पुलिस ने निकास, अंकुश, प्रदीप, सतीश, सोनू यादव, अमन शर्मा आदि के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की। इनमें पुलिस ने 24 घंटों के अंदर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने निकास, सोनू, प्रदीप, अंकुश आदि को गिरफ्तार कर लिया है। बलावा हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों पर पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। 15 तारीख की रात को एक कैंपर में 6 लड़कों ने भेदरोही गांव के पास वहां बायोफ्यूल फैक्ट्री पे जो शीशे वगैरह तोड़े और एक आदमी के मुनीम के साथ मारपीट की और दे और थाना बुहाना इंचार्ज साहब के टीमें और पचेरी थाने की टीमें, 3 टीमें लगातार हरियाणा और राजस्थान में दबिश देती रही। श्रीमान SP साहब के निर्देशन पे और टीमों की मेहनत से इसमें 6 में से 4 मुख्य मुजरिम गिरफ्तार किए गए हैं। घटना के 24 घंटे के अंदर ही इनको दस्तयाब किया गया, इनसे पूछताछ की गई और इनको गिरफ्तार किया गया। आगे का अनुसंधान जारी है। अभी कितने आरोपी फरार हैं और के अलावा वीडियो वगैरह से और जो बयान वगैरह हुए उनमें से उनसे 6 मुलजिम इस घटना में शामिल हैं और 4 मुलजिम उन्हें अरेस्ट कर दिए हैं। 2 मुलजिम अभी फरार हैं जिनको जल्दी दस्तयाब किया। कहाँ से किया गया सर उन्हें गिरफ्तार? मुलजिमों को हरियाणा से दस्तयाब किया गया। ये कोई फिरौती का मामला है, ऐसा कोई बात नहीं? ये अभी अनुसंधान चल रहा है, इसमें अभी अनुसंधान किया जाना है, सभी चीज़ों पर अनुसंधान किया जाएगा और आगे जो भी घटनाक्रम होगा वो आपको बताया जाएगा। इनको कोर्ट में पेश कर, कोर्ट में कल पेश किया जाए, आज गिरफ्तार किया गया। खरखड़ा में मजदूर के शव को लेकर हंगामा। खरखड़ा में मजदूर के शव को लेकर हंगामा हुआ है। महाराष्ट्र में युवक का 3 दिन पहले तालाब में शव मिला था। शव गांव में पहुंचा तो परिजन व ग्रामीण आक्रोशित हो गए। शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने पर परिजन अड़ गए। गांव की सरकारी स्कूल के सामने शव रखा गया। 19 वर्षीय विक्रम पुत्र सीताराम की संदिग्ध मौत हुई है।
मृतक विक्रम महाराष्ट्र में मजदूरी का काम करता था। ठेकेदार व दो अन्य पर हत्या का आरोप लगाते हुए शव को रखा गया है। खेतड़ी नगर पुलिस मौके पर तैनात है तथा गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। इसलिए नहीं हो रहा है कि वहाँ ये लोग डेड बॉडी वहाँ ली है, हमारे को बिगर पूछे हुए तो पोस्टमार्टम करवाया है, बिगर पूछे एम्बुलेंस की है, बिगर पूछे यहाँ लेके आ रहे हैं। उस टाइम हमारे पास में ये कॉल किया है कि भैया तुम्हारा भाई खत्म हो गया। मेरे पास में मैं गुजरात था, गुजरात में मेरे पास रात को 3:30 बजे फोन किया था, रात को पोस्टमार्टम करवाया हुआ है, रात को फोन किया मेरे पास कि तेरा भाई खत्म हो गया, हम डेड बॉडी लेके आ रहे हैं, तेरे घर वालों को बता दे। तो मैं बोला भैया हमारे को बिगर पूछे हुए आप डेड बॉडी किस लिए लेके आ रहे हो, हमारे को पूछ के पोस्टमार्टम किया है क्या है? नहीं किया हमारे को पूछ के। उसके बाद हम यही चाहते हैं कि हमारे को हमारा इंसाफ दिलाए, हम पोस्टमार्टम हम यहाँ दोबारा से करवाएंगे सक्के तौर पे। ये लोग उसके बाद में मेरे को ये बात बोल रहे हैं रात को 12 बजे ये यहाँ पहुँच गए थे, 12 बजे से हमारे पास में ये 7:30 बजे एम्बुलेंस लेके पुलिस लेके यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि हमको डाउट ये हो रहा है कि ये लोग वहाँ जाके थाने में क्यों गए, तो इसने मर्डर नहीं किया, ये बोल रहा है कि पानी में पड़ के मर गया और कुछ किया है, तो इन लोगों को डर किस चीज़ का है। मैं इनको ये बात बोला था कि मेरे गाँव वालों को आपको अंगुली नहीं अड़ाने दूंगा कि आप सही सलामत घर पे डेड बॉडी को लेके आ दो। ये लोग यहाँ निजामपुर नानूवाड़ी बावड़ी पे सुबह 4 बजे डेड बॉडी को लाके खड़ा किया है, उसके बाद जसरापुर घुमा रहे हैं, जसरापुर से थाने में लेके गए, थाने से यहाँ लेके गए। तो हमको सर डाउट हुआ इस चीज का कि ये डेड बॉडी घुमा कहीं के लिए रहे। तो ये अब क्या निर्णय है? अब सर हमारा निर्णय यही है कि हम वहाँ का पोस्टमार्टम नहीं मानेंगे, हम यहीं का पोस्टमार्टम मानना चाहते हैं, यहाँ करवाना चाहते हैं दोबारा से। जब तक क्या, जब तक जैसा है वैसा रहेगा। सड़क हादसे में बाइक सवार हुआ घायल, गंभीर हालत में झुंझुनू किया रेफर। चिड़ावा खेतड़ी मार्ग पर लाखू के पास सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे चिड़ावा के राजकीय अस्पताल लेकर आया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने घायल को झुंझुनू के बीडीके अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार खेतड़ी मार्ग पर एक मिनी ट्रक आ रहा था, इसी दौरान अचानक ट्रक ड्राइवर ने अचानक ट्रक को मोड़ दिया। ऐसे में सामने से आ रही बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। बाइक पर सवार किडवाणा निवासी अरुण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पर ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। घायल को तुरंत सरकारी अस्पताल चिड़ावा पहुंचाया गया। घायल को जब चिड़ावा के सरकारी अस्पताल ले जाया जा रहा था, उस समय वह बेहोशी की हालत में था जब अस्पताल पहुंचाया गया था। चिड़ावा के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में झुंझुनू के बेडी के अस्पताल के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया।